मार्केट से कहीं ज़्यादा बढ़िया सिर्फ दो ही चीज़ों से बनकर तैयार एकदम क्रंची करारी क्रिस्पी कुरकुरी मूंगफली चिक्की। सर्दी की ये बहुत ही स्पेशल मिठाई है, इसके बिना सर्दी अधूरी सी है। ये ना ही दांतों में चिपकेगी और ना ही खिची खिची बनेगी, एक बार में ही परफेक्ट और क्रंची बनकर तैयार होगी और ये चिक्की मार्केट से कई गुना अच्छी टेस्टी बनेगी और ये लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कुक विद दियास किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी कुरकुरी मूंगफली चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप मूंगफली ले ली है, आप इसे कटोरी के नाप से भी ले सकते हैं। मूंगफली को यहाँ पर हमें रोस्ट करना है तो गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये लगभग 5 से 10 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। मूंगफली को रोस्ट करते हुए अच्छे से चलाना है, नहीं तो हमारी मूंगफली जल जाएगी। इसे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेना है तो आप देख सकते हैं इसमें छिलका निकलना शुरू हो गया है, ये साइन है मूंगफली रोस्ट होने का। जब भी आप चिक्की बनाएं तो मूंगफली को रोस्ट करके ही यूज़ करें, इससे आपकी मूंगफली मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी और कुरकुरी बनेगी। आप इस खास चीज़ का ध्यान रखें। तो यहाँ पर हमारी मूंगफली रोस्ट हो गई है, गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे प्लेट में निकाल देंगे जिससे हमारी मूंगफली ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद इसका हमें छिलका निकाल देना है। तो आप देखिए हमने मूंगफली का छिलका निकाल दिया है और इसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है। यहाँ पर हमारी मूंगफली हो गई है रेडी। अब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे, तो इसके लिए हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें एक कप गुड़ ऐड कर लेंगे। मूंगफली और गुड़ की क्वांटिटी सेम ही रहेगी, आप अगर कटोरी के नाप से बना रहे हैं तो एक कटोरी गुड़ ले लें और गैस का फ्लेम लो ही रखना है और गुड़ को कंटिन्यू चलाते रहना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, लगभग ये 1 से 2 चम्मच जितना है। पानी ऐड करने से गुड़ हमारा जलेगा नहीं और ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो आप देखिए इसमें बबल्स आना शुरू हो गया है और गुड़ का कलर भी चेंज हो रहा है, तो इसे हमें चलाना बंद नहीं करना है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ तले में लगकर जल सकता है और कड़वेपन पे आ सकता है। आप इस खास चीज़ का ध्यान रखें। मार्केट की चिक्की शाइनी होती है, इसके लिए यहाँ पर हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, इससे हमारी चिक्की बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। और साथ ही आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे, इससे चिक्की में अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार गुड़ को चेक कर लेंगे, हमारी चाशनी बनके तैयार हुई है या नहीं। तो इसके लिए हमने एक बाउल में ठंडा पानी ले लिया है और कुछ ड्रॉप गुड़ के डालेंगे और चेक करेंगे। ये ठंडा हो गया है, इसे चेक करते हैं। अभी हमारा गुड़ पका नहीं है क्योंकि ये खिंच रहा है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। जब तक गुड़ पकता है तब तक हम जहाँ पे हमें चिक्की बनानी है उसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म पे ही बना रही, तो इसे हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप घी या तेल से ग्रीस कर सकते हैं, आप इसे थाली में या बटर पेपर पे भी बना सकते हैं। ये चाशनी टॉफी की तरह टूटनी चाहिए तभी परफेक्ट बनेगी। तो 1 से 2 मिनट हम इसे और चलाएंगे। तो लगभग इसे चलाते हुए में 1 से 2 मिनट हो गए हैं, फिर से हम इसे चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम ठंडे पानी में फिर कुछ ड्रॉप ऐड करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद चेक करेंगे।
परफेक्ट। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बनकर तैयार है। ये टॉफी की तरह टूट रही है। जब इसे हम तोड़ेंगे तो इसमें आवाज आएगा, तो यही साइन है परफेक्ट चिक्की बनने का। इसे अच्छे से चला लेंगे और यहाँ पर हमने जो मूंगफली रेडी करके रखी है उसे ऐड कर लेंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारी चिक्की जमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जिस पे भी चिक्की बनानी है उसे ग्रीस करके रेडी कर ले और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। इसे हम प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। इसे स्पेचुला से फैला देंगे। ऐसी पन्नी सबके घर में मिल जाती है। इस पन्नी को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इस पे रखते हुए हम इसे अच्छे से फैला देंगे। ये प्रोसेस हमें थोड़ा फास्ट करना होता है क्योंकि चिक्की जल्दी से जम जाती है। और बेलन को थोड़ा सा ग्रीस करके इसे अच्छे से बेल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से फैलाकर रेडी कर लिया है। आप इसे मन के हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। चिक्की को कट करके हम आधे घंटे के लिए रहने देंगे, तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगी। चलिए हम इसे निकाल देते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी चिक्की बनकर तैयार हो गई है और इसके पीस भी अच्छे से बने हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो देखिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट, मार्केट जैसा और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा। तो यहाँ पर हमारी परफेक्ट कुरकुरी क्रंची मूंगफली चिक्की बनकर तैयार है। तो देखिए इसे मैं तोड़ के भी बताती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप इसे ज़रूर बनाना। हमेशा की तरह अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।